खबीस है, खबीसू में खबीस दी है, गिनोगे तो गिन नहीं पाओगे। 12 साल से ये बुखार में तड़पती आई है, 12 साल से दवा खिलाता आया हूँ इसको, जहरीली दवा भर भर कर दवा खिलाई है, खूब मैंने सबको दर्द दिया। अच्छा ये बता, मुझे परेशान करते, ये बता इसे मोहब्बत करने लगा था जब मैं इसके शरीर पर आया था, तो ये लड़की मुझे पसंद आई थी, मोहब्बत करी थी, पर ये साली निकम्मी निकली। ये साली माफ करो ये तस्वीर का फिर नवाब को ला हम का कामिल फेम ये लिए दिया मत का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिन बुआ दी का या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ला दी का या अली या अली या अली। बोलो क्या कहते हो? चला जाऊंगा मैं अभी यहां से, भाग जाऊंगा। बोल कौन है तू? मैं अपना परिचय करा चुका हूँ। बोल तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम असली नाम तो मेरा खबीस है, खबीस हूँ मैं, खबीस। खबीस तुम इसको क्या तकलीफ देते हो? मेरे परिवार ने मेरा नाम रहीम रखा है, रहीम नाम है मेरा। फुल ताकत दिखाओ अपनी, मेरी मुठिया खुलवाओ, फुल ताकत दिखाओ। बाबा जी इसकी मुठिया नहीं खोल, इसको मुठियों से बंद कर दे, इसको टाइट कर दे ताकि भागे ना। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मत तेरी, सब कुछ सच बताऊंगा, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सारी बातें सच बताऊंगा। मैं तेरे टोटे टोटे करवा दूंगा। बोल बोल, बोलता है तू शैतान है, तू शैतान है, तू इंसानों का दुश्मन है, तू लोगों को तकलीफें देता है। बोल क्या तकलीफ दी है इसको? तकलीफें बहुत सारी दी हैं, गिनोगे तो गिन नहीं पाओगे। 12 साल में बहुत तकलीफें दी हैं मैंने इसको। बोल क्या क्या तकलीफ दी है? बर्बाद कर दिया। भाई साहब आप कैमरे के साइड पे हो जाएं, वाइट टोपी वाले जी, बोलो क्या क्या तकलीफ दी है? ताकत से आ, वरना मैं तुम्हें मरवा दूंगा, कत्ल कर दूंगा तेरा। इसके यहाँ और घोटों में और इनों में उंगलियां खराब कर दी और इसको अंदर बुखार कर दिया। 12 साल से ये बुखार में तड़पती आई है, 12 साल से दवा खिलाता आया हूँ इसको, जहरीली दवा भर भर कर दवा खिलाई है, खूब मैंने इसे। क्या क्या दवाइयाँ खिलाई है? और इसके ना इसके बच्चों को, ना इसके शौहर को, और ना इसके सालों को, ना इसकी सास को, किसी को भी नहीं। सबने मुझे दर्द दिया, इसीलिए मैंने सबको दर्द दिया। अच्छा ये सब लोग मुझे परेशान करते, ये बता तू इंडिया कहाँ का रहने वाला है? मैं इसी के घर में रहता था पहले, और इसी चक्कर में लड़की पे आ गया, पैसे नहीं आता, इसके घर में रहने की वजह से आ गया। और ये इंडिया कहाँ से बात कर रहे हैं? ये बताएगा बोलन जी, इंडिया कहाँ से बात कर रहे हैं जी? आगरा से। इंडिया नहीं चलाता, नहीं मैं तेरी मुठिया तोड़ दूंगा, तेरी मुठिया नहीं खोलानी है, खोल ना मुठिया, तेरे में हिम्मत है तो यही ताकत है, खोल मुठिया करके दिखा, बताओ मैं तुझे। देखिए ताकत कर रहा, मुठिया खोल के बताता हूँ मैं। ये अपनी ताकत, आपकी ताकत देखना चाहता हूँ, आप कितने ताकतवर हो देखना चाहता हूँ। मेरी ताकत यही है कि तू मुठिया नहीं खोल सकेगा, अल्लाह के कसम बाजी मुठिया ना खोल सके। इसकी फसाया था, वो मेरा कुछ नहीं कर पाए, आप मेरा क्या करोगे? मैं तेरा वो करूंगा जो किसी ने नहीं किया होगा, मैं तेरा वो नुकसान करूंगा, मैं तेरा वो नुकसान करूंगा जो किसी ने नहीं किया होगा, तुझे मैं पकड़ के कैद करूंगा। उन्होंने मुझसे छीन लिया सब कुछ, मेरा छीन लिया, मैं भी इसके परिवार को छीनना चाहता था, इसलिए इसको बहुत दर्द बहुत तकलीफ दी मैंने। मेरी मुठिया खुलवा दो, बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं तेरे में ताकत तो खोल के दिखा ना।
ये तुझे मैंने इसके जिस्म में, ये तुझे मैंने पकड़ के, ये तुझे मैंने पकड़ के इसके जिस्म में लाया, तेरे में हिम्मत है तो निकल के दिखा, तेरे में हिम्मत है मुझे खोल के दिखा, मारे इसको और मारे इसको पता चले। अफसाने से जितने बेली इसके पास जाए, इसको दिखाए ताकत किसने, इसकी पावर खींचे और इसको चुपेड़े मारे, इसको तकलीफ दे ताकि चीखे मारे, सबको देख लूंगा मैं, सबको देख लूंगा, इसके परिवार को छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। बोल हमारे साथ सीधे तरीके से बात कर, राजीनामा कर, हम तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, बात कर सीधे तरीके से, तेरी मुट्ठी भी खुला देंगे। इस लड़की से मेरी बहुत कड़ी दुश्मनी है, नफरत करता हूँ मैं इस लड़की से, इस लड़की ने मुझे आपको बताना चाहता हूँ सारी बातें। ये लड़की से मोहब्बत करने लगा था जब मैं इसके शरीर पर आया था, तो ये लड़की मुझे पसंद आई थी, मोहब्बत करी थी, पर ये साली निकम्मी निकली, ये साली मुझ पर थूकती थी, मैं इससे बातें भी करता था, रूबरू बातें करता था मैं इससे, लेकिन इसने फिर भी मुझे ना लग दी, मुझे पसंद नहीं किया इसने, इसलिए इससे नफरत करता हूँ। मुझे बता इस लड़की के साथ बहुत ज्यादा नफरत करती है, तो इस लड़की के साथ और क्या क्या करता है बता दिया ना, बहुत कुछ किया है, बहुत सब कुछ किया है, क्या क्या किया बोल, सब कुछ बोल, सब कुछ क्या बोल, इसके साथ बहुत गंदे सारे काम किया है मैंने, तुझे शर्म नहीं है, ये भी किसी की माँ बहन है, 12 साल से तड़प पाता आया हूँ, और अब और भी ज्यादा तड़प पाता था मैं इसको, क्योंकि इसने मेरा परिवार सारा तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया इसने मुझे, जिन तेरे साथ बड़ा जुलम हुआ है, हबीस तेरे साथ बड़ा जुलम हुआ है, इन्होंने तेरा सारा खानदान खत्म किया है, अब ये माजरत मांगेंगे, तूने भी इनसे माजरत मांगनी है, राजीनामा कर रहे हैं, और तुझे मैं आजाद करवाऊंगा, अपने पास लेके आऊंगा, सारे दुख खत्म, परेशानियां खत्म, ठीक है, सारे घर वाले कहें जी हमें माफ कर दो कि हमारे से गलती हुई कि हमने तुम्हारे खानदान को तकलीफ दी, बोले जी सारे इसको कहें ना, हमें माफ कर दो भाई, हमसे गलती हुई, हमें नहीं पता था कि ये मखलूक है, हमारे से हमने सोच समझ के गलतियां नहीं की, कहें जी आपको क्या मालूम, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे, माफी मांगे थी, बच्चे मुझसे जुदा हो गए, सही है बिल्कुल, हमें परेशान मत करिए, हम भी माफी मांग रहे हैं, तो तीन के फोन, एक जिन्नात है, वो जिन्नात इसको अपनी बहन मानता है, वो जिन्नात करता है सारे काम, उस जिन्नात ने भी मुझसे दुश्मनी निभाई है, वो जिन्नात वो अगले हफ्ते भी आया था, लेकिन मैं जो चीज कह रहा हूँ और बात ना करो, ओए खबीस, मैं जो चीज कह रहा हूँ उसमें सुनो, सारे घर वालों ने तेरे से माफी मांगी, इनको नहीं पता था तेरे बच्चों के बारे में, जो गलतियां हुई माफ करने वाला बड़ा है, सुन, माफ करने वाला बड़ा होता है, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं, और अगर तुम मुसलमान हो तो गिड़गिड़ा कर माफी मांगेगी, जब माफ करूंगा इस लड़की को, मुझसे माफी मांगनी होगी, इसको जी गिड़गिड़ा के चुका है, खुदा का वास्ता है तुझे, अल्लाह का वास्ता में माफ करो जो हमने तेरे बच्चों को कत्ल किया, इसके सर के ऊपर हाथ रख के माफी मांगे, इसके सर के ऊपर हाथ रख के माफी मांगे, हाँ कहो हमें माफ करो भाई, मुझे माफ कर दे, जो भी गलती हुई है मैं माफी मांगती हूँ, हाथ उठाए भाई साहब, ठीक है जी माफी मांग ली, खबीस अब तुम भी इनको कहो कि हमें माफी कर दो जो हमने आपका नुकसान किया, मैं नहीं मांगूंगा, देख मुसलमान अगर तू मर जाता है अल्लाह पाक के पास जाता है, तुझे अल्लाह पाक उस टाइम तक माफ नहीं करेगा जब तक तुझे बंदा कोई माफ नहीं करेगा, अल्लाह से भी शिकायत है, मैं अल्लाह का, मैं मुसलमान होकर मैं अल्लाह को नालत देता हूँ, मैं थूकता हूँ उस अल्लाह पर मुसलमान होने के बाद भी, क्यों, क्योंकि उस अल्लाह गलत है सिवाय दर्द के,
कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह हर मखलूक से 70 माओ जितना प्यार करता है। अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है और सब ने मरना है और सब ने अल्लाह पाक के पास जाना है। बुलंद आवाज में सब पढ़ो पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत रोया हूँ लेकिन मेरा रोना किसी को दिखाई नहीं दिया। मैंने लोगों से बहुत बार कहा कि मेरे दर्द को भी देखो, मेरी तकलीफ को भी देखो, पर ये लोग सिर्फ अपनी तकलीफ देखते हैं। इन्होंने कभी अपनी आंखों से देखा। अल्लाह पाक किसी को तकलीफ नहीं देते, ये एक आजमाइश होती है। अल्लाह पाक अपने प्यारों पे आजमाइश डालता है। मेरे साथ बुलंद आवाज में पढ़ो, सच्चे दिल से कलमा पढ़ो, सच्चे मुसलमान बनो, तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा, अल्लाह की ताकत आएगी और अल्लाह पाक तुम्हारे सारी आसानी करेगा। बुलंद आवाज में मेरे साथ पढ़ो पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट रुकिए, आप मुझसे कुछ वादा कर सकते हो? जी बोले। हम बोल रहे हैं कि आप हमसे वादा कर सकते हो? जी कर सकता हूँ, बोले। मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को कोई तकलीफ ना दूं। हालांकि इस लड़की ने मुझसे हमदर्दी करी है तो इसलिए मुझे भी कभी कभी इससे हमदर्दी होया करती थी, पर जो जिन्नात है वो जिन्नात मुझे बहुत दर्द बहुत तकलीफ देता था। इस वजह से मैं इस लड़की से बहुत परेशान रहा करता था। मैं आपका दुख समझ गया हूँ, मैं आपको आजाद करवा के अपने पास अफसाने पे लेके आऊंगा। यहाँ पे सुनो मेरी बात, सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ बोलना नहीं है। मैं आपको आजाद करवा के पर्यटन शिव अफसाने पे लेके आऊंगा, वहाँ पे आपको दीनी तालीम देंगे, वहाँ पे आपकी तरबियत करेंगे। मेरी दिल की बात तो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। मैं चाहता हूँ, क्या चीज? मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल दिमाग से निकल जाए, बिल्कुल भी मेरे निकल जाएगी जो जी पढ़ो मेरे साथ जो मैं चीज कहूंगा। पढ़ो पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله محمد رسول الله حضرت سليمان پیغمبر کی قسم ہے پیغمبر کی قسم ہے آج کے بعد आज के बाद मैं पक्का सच्चा मुसलमान हुआ। मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मैं तुम्हें, तुम पहले भी मुसलमान थे, अब तुम पक्का सच्चा मुसलमान करो, जो मैं चीज कर रहा हूँ उसको फॉलो करो। आज के बाद बोलो, आज के बाद मैं पक्का सच्चा मुसलमान हुआ। मैं पक्का सच्चा मुसलमान बन जाऊंगा, बन नहीं जाऊंगा, मैं मुसलमान हुआ। मैं जो चीज कह रहा हूँ मैं पक्का सच्चा मुसलमान हुआ, मैं सख्ती से कह रहा हूँ तुम्हें। मैं पक्का सच्चा मुसलमान बनने के लिए तैयार हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो रिपीट करो, आज के बाद मैं पक्का सच्चा मुसलमान हुआ। मैं पक्का सच्चा मुसलमान हुआ। मेरे से जो गलतियां हुई अल्लाह पाक मुझे माफ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। आज के बाद ये लड़की हमारी माँ बहन है। मुझे अपने माँ बाप की कसम है। मुझे अपने मरे हुए बच्चों की कसम है। आज के बाद मैं सूरत को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आज के बाद मैं पदरीटा शरीफ सरकार का पक्का सच्चा मुरीद हुआ। मैं आज के बाद सिलसिला कादरिया में। मेरी समझ में नहीं आया। सिलसिला कादरिया में बैत कबूल करता हूँ। अब मेरा नाम है अब्दुल्ला। जी जिसम पे हाथ फेरो, बोलना चाहता हूँ। जी इस लड़की के जिसम पे हाथ फेरो, चलो बाबा जी से हाथ खोल रहे, पूरे जिसम पे हाथ फेरी जाओ, पूरे जिसम पे हाथ फेरो, असरात निकालो, पूरे जिसम पे हाथ, जल्दी करो, औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, पूरे जिसम पे हाथ फेरो, जल्दी करो, औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम।
बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, जिसमें आप फिर अल्लाह के हुक्म से बेली जाए, जो जो इसके पीछे तबीज है सारे उठा दे, फिर जिनको भी आजाद करवाना है इसके पीछे जो तबीज है वो भी आजाद तबीज निकाल दे। मुठिया टाइट कर, आप मुठिया टाइट कर, मुठिया टाइट कर, गर्दन ऊपर कर, फुल ताकत दिखा। अल्लाह के हुक्म से बाजी पूरी फौज लेके इसके पास चले जाए। मैं सब पढ़ पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब जोर से झटका मार, हाथ खोल ले अल्लाह से, जोर से हाथ खोल ले अल्लाह के कसम बाजी से, सारे जाए इसको पकड़ ले, इसको पकड़ अस्ताने पे ले जाके खोल ले, अल्लाह से खड़ी हो जाए अपनी जहाँ पे जी। तबीयत बेहतर है? तबीयत कैसी? अभी तो मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, टांगों पे हाथ फेरो, टांगों पे जहाँ दर्द हो रहा है जिसमें हाथ फेरो, जल्दी करो, जहाँ दर्द हो रहा आप फिर भी जाओ। चेक करो दर्द खत्म है जी, दर्द खत्म है, चेक करो इंशाल्लाह ताला जी। बहन मेरे साहब, भाई साहब आप साइड पे हो जाएं, बहन बुलंद आवाज में मुझे बोलना बताना है, बताएं अभी आपकी तबीयत 100% में से कितनी बेहतर है? हाँ अभी तो थोड़ी हल्का सा, थोड़ा शरीर में तकलीफ सी महसूस कर रही हूँ। अभी अपने आप को 100% में से कितना बेहतर महसूस कर रही है? 50%। हाँ अल्लाह की करम से कर रही हूँ। माशाल्लाह जी, आपको मैं कुछ वज़ाइफ दूंगा, पढ़ाइयाँ दूंगा, वो आपने करनी है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला आप और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी, ठीक है? आपको मैं कुछ वज़ाइफ दूंगा, पढ़ाइयाँ दूंगा, वो आपने करनी है इंशाल्लाह ताला, बेहतरी आएगी, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, चीजें खोलने में चीजें